हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट की कॉपी भी उन्हें फैसले की कॉपी उन्होंने सौंपी है। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वो इस फैसले का कानूनी तौर पर परीक्षण कराएंगे। बता दें कि हिमाचल की एक कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के साथ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में और कुछ जो कोर्ट के निर्णय आए, चाहे वो लोअर कोर्ट का था, सेशन कोर्ट का था, उसके कारण उनकी सदस्यता जो रद्द हुई थी। अब आज उन्होंने मुझे एक हिमाचल हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी दी है और उसके साथ ही एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। आज वो कॉपी मिल गई है। आज हमारे सेक्रेटरी जो हैं नंदल साहब छुट्टी पर हैं, वो डील करने के पश्चात हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। स्पीकर साहब ने लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो जिसके कारण मुझे सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, उस मामले में फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट शिमला में मैंने अपील डाली थी और मुझे वहाँ से जो मैंने स्टे मिली, मुझे उसकी कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी मैंने स्पीकर साहब को दी और रिप्रेजेंटेशन दिया कि आपने जो मुझे विधानसभा की सदस्यता से वंचित किया था, तो वह सदस्यता जो मुझे स्टे लगी है वह सदस्यता मुझे दी जाएगी।